मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ईसानगर ब्लॉक के ग्राम खड़गाए में आज हम मौजूद हैं, जहां पर ये लोग 40 साल से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन लाइट की अभी तक सुविधाएं नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बच्चे और यहां पर कुछ बुज़ुर्ग चिराग लिए खड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग मिट्टी के तेल से चिराग जलाते हैं, दिन में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और रात में नहीं पढ़ पाते। शासन द्वारा हर कहीं लाइट की सुविधा दी गई है, लेकिन ये गांव एक ऐसा है जहां पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। लाइट नहीं है आपके यहाँ? बिल्कुल है नहीं, ये खेती वाली लाइट है, सो खेती से स्वभाव होता है, मैंने घर मकान पर लाइट ही नहीं है। हाँ, सो घंटा दो घंटा है, सो जो सीस फीस ला जी ना, सो बे लाइट है, घर मकान पर कोई लाइट नहीं है। और एक जने जो विधायक जी को कहा है, शुक्ला जी कहा को कहा, इनके पास भी गए थे, सुबह कहते पैसा दो खर्च करोगे जब हो जाएगी लाइट। हम लोग गरीब है, नन्या पैसा हम कहाँ से दे दी, कहा कहे जी कछू भी नहीं, कहाँ है हमारे पास, देखो तो घर में ये खेती के लिए है लाइट, और कुछ लाइट नहीं है बहन जी, क्या करिए हम, घर के लाए लाइट है नहीं है। हमारे लोग के बच्चे परेशान है, ना लिख पा में, ना चाहे सांप खा ले चौमासे में, चाहे बिच्छू खा ले, परेशान में तो है। हाँ, एक तब मारेगा, एक आदमी भी मारेगा जाठे को कीड़ा के काटे, पांच बच्चा छोड़ के। हाँ, कि सबकी समस्या है, देखो लाइट भी नहीं है, ऐसे रह रहे हैं, मच्छर सब कोई काटता है, पड़ गए तो पड़ गए दिन में, जो कुछ सीख लिया तो सीख लिए, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। रात में लाइट डिब्बी जलाते हैं, वो भी नहीं मिलता है, महंगा मिलता है 100 रुपए लीटर, कहाँ से ले, गरीब लोग है, जैसे भी है तो ऐसे ही रहते हैं, घर मकान सब कोई। कब से नहीं है आपके यहाँ लाइट? बहुत जब से रहते हैं, जब ही से नहीं है लाइट। कितने सालों से रह रही है? हम तो अभी से हैं, जैसे हमारे दादी है तो वो तो बहुत दिन से है, 10 साल 20 साल। लाइट के लिए तो आज कम से कम 25-30 साल हो गई जब से लाइट नहीं आ रही, ना बच्चे पढ़ रहे, ना हम लोग भी ऐसे ही है। हाँ, कोई सुन बस यही है, जितने दिन में पढ़ गए तो पढ़ गए, नहीं गए उसके बाद बंद रहते हैं, बस कोई पढ़ाई नहीं है। हाँ, शिकायत हर चीज़ कर चुके, ईसानगर है और बिजाव कर चुके, शुक्ला जी लो, सो पैसे की मांग रहे, बस इसी वजह से नहीं हो रही कुछ भी नहीं, बस क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि लाइट लग जाएगी तो बच्चे ही पढ़ जाएंगे, हम लोग की तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई। अभी क्या जलाते हैं लाइट? अब हम लोग डब्बी जलाते हैं। मिट्टी का तेल कहाँ से लाते हैं? जो मिल गया था मिल गया, नहीं को कंट्रोल से मिलता है, 1-2 महीने में 1 लीटर देते हैं, बस नहीं को मोबाइल जला लिया अपना। रात में इतने दिन से रह रहे हैं, 2-3 बार बबलू शुक्ला के पास भी गए, उनसे भी बोला महाराज के लिए लाइट के लिए, उन्होंने बोला जब चुनाव नहीं हुआ था उसके पहले तो बोला था तो 15 दिन में तुम्हारा ट्रांसफार्मर लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ 15 दिन के बाद, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी गए उनके पास कागज लेके तो बोलते हैं 4 लाख रुपया अगर तुम्हारे पास हो तो तुम्हारे पास लाइट लग सकता है। अब इतना 4 लाख हम लोग के पास है नहीं, इतना 20 मकान है, इतना कहाँ से हम लोग देंगे, गरीब आदमी है, 4 लाख रुपया होता तो उनके लिए काहे के लिए जाते, अपना खुद ट्रांसफार्मर लगवा लेते, इसलिए उन्होंने भी बंद कर दिया। सरपंच से भी 2-3 बार बोला तो आवास करवा दो, तो सरपंच भी बोलते हैं हाँ हो जाएगा, 5 साल की जगह 8 साल भी हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।